नमस्कार। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपने मामले में आमिर खान का नाम घसीट दिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कंगना की पासपोर्ट रिन्यूअल की मांग की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। कुछ समय पहले कंगना के एक पोस्ट पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके कारण पासपोर्ट अथॉरिटी ने कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल पर आपत्ति जताई थी। वहीं इस पूरे विवाद के बीच कंगना ने अब एक्टर आमिर खान का नाम भी घसीट लिया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि महाविनाशकारी सरकार ने मेरा अप्रत्यक्ष उत्पीड़न फिर से शुरू कर दिया है। पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मेरा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि मुनव्वर अली नामक एक टपोरी ने मुझ पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। अदालत ने मामला लगभग खारिज ही कर दिया था, फिर भी अदालत ने पासपोर्ट के लिए मेरे अनुरोध को खारिज कर दिया और कारण दिया गया मेरा अनुरोध अस्पष्ट है। वहीं कंगना ने इसमें आमिर खान की बात करते हुए लिखा, आमिर खान ने भी भारत को असहिष्णु कहते हुए बीजेपी सरकार को भी अपमानित किया था। तब उनकी फिल्में और शूटिंग रोकने के लिए किसी ने उनके पासपोर्ट पर रोक क्यों नहीं लगाई थी? उन्हें इस तरह टॉर्चर और परेशान भी नहीं किया गया था। यहां आपको ये भी बता दें कि कंगना साल 2015 में आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के असहिष्णुता वाले बयान को लेकर हुए विवाद के बारे में बात कर रही हैं। ये विवाद तब सामने आया था जब आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को भारत में रहने पर डर लगता है। आमिर खान को इसके बाद काफ़ी बुरा भला कहा गया, लेकिन जो कंगना के साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हुआ। यही बात कंगना अपनी स्टोरी में कह रही है। बताते चलें कि कंगना को अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए हंगरी जाना है। कंगना का पासपोर्ट 15 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है। इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंची थी, हालांकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून तक के लिए उनकी इस मांग को स्थगित कर दिया है। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि कंगना के इस बयान पर आमिर खान किस तरह रिएक्ट करते हैं। वैसे कंगना के इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी बाकी की खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।